नमस्कार, मतगणना से जुड़ी कुछ छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका यूपी 24 न्यूज में, जहां पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं हमीरपुर जनपद के गोहान विकास खंड के ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे। आखिर इस गाँव में कौन से प्रत्याशी ने बाजी मारी, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं अकोना गाँव के बारे में, जहाँ पर महिला उम्मीदवार कस्तूरी देवी ने 871 मत पाकर जीत दर्ज की है। वहीं धनोरी गांव की बात करें तो तेज प्रताप ने 595 मत पाकर जीत दर्ज की। एसके टोला राठ ने नवल किशोर ने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को 100 मतों से हरा दिया। अब बात करते हैं ओहता की, जहां भारत सिंह ने 719 मत प्राप्त किए। बात करते हैं जखेड़ी की, जहां गायत्री देवी ने 607 मत प्राप्त किए। बात करते हैं चिल्ली की, जहां सुमन राजपूत ने 1166 मत प्राप्त किए। बात करते हैं पवई की, जहां अनीता ने 1005 मत प्राप्त किए। बात करते हैं जमखूरी की, जहां जयप्रकाश ने 241 मत प्राप्त किए। बात करते हैं बीरा की, जहां राजकुमार ने 664 मत प्राप्त किए। बात करते हैं चिकासी की, जहां ईशु ने 465 मत प्राप्त किए। बात करते हैं अतरा की, जहां खेमचंद्र ने 588 मत प्राप्त किए। बात करते हैं जिकनी की, जहां भगवान दास ने 580 मत प्राप्त किए। बात करते हैं बंगरा की, जहां आरती देवी ने 322 मत प्राप्त किए। बात करते हैं चंदनबारी डांडा की, जहां अनिल कुमार ने 593 मत प्राप्त किए। बात करते हैं रावतपुरा की, जहां विक्रम सिंह ने 160 मत प्राप्त किए। बात करते हैं नहदोरा की, जहां अंजू ने 508 मत प्राप्त किए। बात करते हैं चुराहा की, जहां मीना ने 560 मत प्राप्त किए। बात करते हैं कुम्हरिया की, जहां हर नारायण ने 386 मत प्राप्त किए। बात करते हैं इटायल की, जहां राम सिंह ने 719 मत प्राप्त किए। बात करते हैं पथखूरी की, जहां विमला रानी ने 324 मत प्राप्त किए। बात करते हैं अमूंद की, जहां हेमरानी ने 475 मत प्राप्त किए। बात करते हैं उमरिया की, जहां प्रियंका ने 623 मत प्राप्त किए। बात करते हैं करौंदी की, जहां छत्रपाल ने 629 मत प्राप्त किए। बात करते हैं करगवा की, जहां नीतू ने 409 मत प्राप्त किए। बात करते हैं सेना की, जहां उमा शंकर ने 400 मत प्राप्त किए। बात करते हैं जराखर की, जहां कमलेश ने 1583 मत प्राप्त किए। बात करते हैं बरुआ की, जहां विमलेश ने 417 मत प्राप्त किए। बात करते हैं लिंगा की, जहां सुधर सिंह ने 540 मत प्राप्त किए। बात करते हैं कैमोखर की, जहां दग्रपाल सिंह ने 531 मत प्राप्त किए। बात करते हैं अमगाव की, जहां रफीसा खातून ने 740 मत प्राप्त किए। बात करते हैं मसगवा की, जहां बरदानी ने 353 मत प्राप्त किए। विनय जी, जिस तरीके से विनय जी आपने एक छोटी उम्र में एक बड़ा काम किया है और यहाँ पर आपने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को मात दी है, क्या कहेंगे, किस तरीके से आप जनता के प्रति अब अपनी जो औपचारिकता है वो पूरी करेंगे? अपने गुरु आशीर्वाद से अपने गांव का समाज का कार्य है, पूर्ण रूप से अपना क्या इसका श्रेय आप किनको देते हैं? बहुत बढ़िया। तो अभी तक की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए लगातार देखते रहिए यूपी 24 न्यूज। नमस्कार।